रूसी सेना को यूक्रेन के खिलाफ जंग में बड़ा झटका लगा है। रूसी सेना को उस जगह से वापस हटना पड़ा है जहां पर उसका दबदबा था और जो रूसी सेना के लिए लाइफलाइन बनी हुई थी। रूसी सेना के खिलाफ पिछले 7 महीनों से यूक्रेनी आर्मी डटकर मुकाबला कर रही है। रशियन आर्मी के मुकाबले यूक्रेनी सेना काफी कमजोर है, लेकिन यूक्रेन के जवानों का हौसला ही है जो मैदान जंग में रूसी जवानों का सीना तानकर मुकाबला कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के 4 प्रांत डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जेपोरिजिया का रूस में विलय भी हो गया, लेकिन यूक्रेन के मनोबल पर असर नहीं पड़ा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की महाविध्वंसक धमकी के बावजूद भी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपने जवानों के साथ डटकर खड़े हैं। यूक्रेनी क्षेत्र को रूस में शामिल करने के ऐलान के बाद से ही कीव में जबरदस्त गुस्सा है। यूक्रेनी सेना ने जोरदार पलटवार करते हुए लाइमेन शहर से रूसी सेना को पीछे खदेड़ दिया है। लाइमेन यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से 160 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। यूक्रेन की सेना के जवाबी हमलों में रूस के कब्जे से बड़े इलाके को छुड़ा लिया गया है। बता दें कि लाइमेन पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना का एक प्रमुख गढ़ था। यहीं से यूक्रेन में तैनात रूसी सेना को रसद और हथियारों की सप्लाई की जाती थी।